दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक सिद्दीकी को और घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक सिद्दीकी। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई पुरानी मेमोरी कार्ड है या अगर वो सही से चलती नहीं है, उसे रिपेयर करना है, या अगर कई बार ऐसे मेरे फ्रेंड्स लोग भी ऐसा मुझे कहते हैं कि मेमोरी कार्ड में कोई चीज़ अगर हम डिलीट करते हैं या फॉर्मेट करते हैं तो मेमोरी को फिर जब हम फोन में लगाते हैं फिर वापस वो फाइल वापस आ जाती है, और इसी तरह से बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम होते हैं और मेमोरी को लगाते हैं कुछ देर चलती है बाद में फिर चलना बंद हो जाती है, तो ये सारी दिक्कत काफ़ी सारे मेमोरी कार्ड्स में आती है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि हम मेमोरी कार्ड को किस तरह से सही करेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं आप हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आपको करना क्या है, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है CMD। सर्च करने के बाद ये वाला आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस तरह का विंडो खुल जाएगा CMD। यहाँ पर कुछ कमांड्स लिखने पड़ते हैं हमें, तो यहाँ पर चलिए हम कमांड सबसे पहले लिख लेते हैं। ये सारे कमांड्स जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो चलिए सबसे पहले कमांड हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्क पार्ट, फिर आपको एंटर दबा देना है। तो कुछ इस तरह का हल्का सा पॉपअप यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हुआ है, तो यहाँ से हमें यस कर देना है तो दूसरा विंडो यहाँ पर खुल जाता है। तो हमें इसे साइड में लेके आ जाना है और यहाँ पर लिख देना है, हमें वापस से दूसरा कमांड लिखना है लिस्ट, फिर यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस छोड़ना है, फिर लिखना है डिस्क, फिर वापस यहाँ पर आपको एंटर पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दो डिस्क आ चुके हैं, डिस्क 0 है ये हमारी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है और जो डिस्क 1 है ये हमारी जो 8 GB की मेमोरी है जो नहीं चलती है। तो हमें इसे इस मेमोरी कार्ड को रिपेयर करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये वाला कमांड टाइप करना है सिलेक्ट डिस्क 1, फिर आपको स्पेस दबाना है, फिर लिखना है डिस्क, फिर स्पेस दबाना है, फिर 1 दबाना है, उसके बाद आपको एंटर दबा देना है। तो देख सकते हैं डिस्क 1 सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको कमांड टाइप करना है क्लीन, क्लीन लिखने के बाद फिर आप एंटर दबा दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। फिर आपको कमांड लिखना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, फिर स्पेस, पार्टीशन प्राइमरी, फिर आपको यहाँ से एंटर दबा देना है। तो देख सकते हैं ये भी सक्सेस हो चुका है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक्टिव कमांड लिखना है आपको, एक्टिव लिखने के बाद फिर वापस आपको एंटर दबा देना है। तो देख सकते हैं ये भी सक्सेस हो चुका है। उसके बाद फिर आपको कमांड टाइप करना है सिलेक्ट पार्टीशन 1, फिर स्पेस छोड़नी है थोड़ा सा, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना है FAT32। ये कोड लिख देना आपको, उसके बाद फिर आप एंटर दबा दीजिए, यहाँ से ये फॉर्मेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं अभी 0% बता रहा है। तो दोस्तों काफ़ी टाइम लगता है इसके अंदर, ज़्यादा आपको 10 या 15 मिनट लगेगा फिर फॉर्मेट होने में, उसके बाद आपकी मेमोरी कार्ड बिल्कुल रिपेयर हो जाएगी। सो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर 3% हो चुका है, इसी तरह से जब 100% हो जाएगा फिर उसके बाद आपकी मेमोरी बिल्कुल सही से रिपेयर हो जाएगी। तो गाइस मेरे ऊपर भरोसा रखिए, आप जरूर ये काम हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं होता है तो 2-3 बार आप ट्राई कीजिए। मैंने भी अपनी मेमोरी कार्ड को रिपेयर करने के लिए 4-5 बार दबा मैंने उसको ट्राई किया, तब जाके ये मेमोरी मेरी सही हो चुकी है। सो गाइस भरोसा रखिए मेरे पर और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर जरूर करना इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को ये चीज़ पता चले। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो जरूर पसंद आएगी। सो मिलता हूं आपको इसी तरह की एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।